वेलकम टू स्मार्ट किड्स, सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर अपकमिंग लेसन वीडियोस। डियर स्टूडेंट, वी आर गोइंग टू लर्न जनरल साइंस इंग्लिश इन क्लास 6। आवर लेसन इज लेसन नंबर 10, फोर्स एंड टाइप्स ऑफ फोर्स। तो बच्चों, हम क्लास 6 में जनरल साइंस इंग्लिश में बहुत ही अच्छा सा लेसन पढ़ने जा रहे हैं। हमारी लेसन का नाम है लेसन नंबर 10, फोर्स एंड टाइप्स ऑफ फोर्स। अगर इस चैनल पे आप नए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सो लेट्स बिगिन आवर लेसन। तो बच्चों, जैसे लास्ट लेसन में आपने मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में पढ़ा कि जो हमारी चीज़ें जो रहती है, ऑब्जेक्ट रहती है, किस डायरेक्शन में रहती है, लीनियर मोशन में रहती है कि नॉन लीनियर मोशन में रहती है। इस तरह आज हम फोर्स एंड टाइप्स ऑफ फोर्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। जैसे जो एनर्जी है, ऑब्जर्व एंड डिस्कस। अभी यहाँ पर आप देख रहे हो कि एक बॉय है जो बोट चला रहा है। अभी यहाँ पर जो है कुछ लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। ये जो एक बॉय है जो लकड़ी को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, और यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पे देखो बुल्लक काट जा रहा है, यहाँ पे एक बॉय जो है व्हील को चला रहा है, यहाँ पे एक बॉय जो बॉल से खेल रहा है। तो यहाँ पे बहुत सारे एक्टिविटी एक्शन आपको नज़र आ रहे हैं। विल अ बोट मूव अहेड अनलेस पुश विद द हेल्प ऑफ एन ओर। क्या अभी यहाँ पे आपने देखा कि क्या जो बोट है, वो बोट को हम जब खुद से चलेगी, जब तक हम उसे धक्का नहीं देंगे तब तक खुद से नहीं चलने वाली। मतलब वो खुद की एनर्जी नहीं, हमें उसे फोर्स देना पड़ रहा है। हु एग्जर्ट फोर्स टू मूव बुल्लक कार्ट फॉरवर्ड। अभी यहाँ पे जो बुल्लक कार्ट जो जा रहा है तो उसे कौन हिला रहा है? जैसे यहाँ पे जो एनिमल है वो तो वॉक तो करेगा वो, लेकिन उसे फोर्स करने के लिए, जैसे कोई मैन होता है बुल्लक कार्ट में, एक आदमी बैठा होता है जो उसे चलाता है। अभी यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो ये यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे जो बोट पे एक बॉय बैठा है तो उसे चला रहा है। मतलब बोट खुद से नहीं चल रही, मतलब वो बॉय जो है बोट को चला रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो नंबर 3, वॉट मेक्स द बॉल मूव डूइंग अ गेम ऑफ फुटबॉल, हाउ डज इट डायरेक्शन चेंज। अभी यहाँ पे जो बॉय है फुटबॉल से खेल रहा है, आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे एक जो बॉय है फुटबॉल से खेल रहा है, तो ये जो बॉल है किस डायरेक्शन की तरफ जा रहा है? विल द व्हील गो फॉरवर्ड इफ इट इज नॉट पुश्ड विद द स्टिक। अभी यहाँ पे ये जो लकड़ी है, यहाँ पे आप देख रहे हो, विल द व्हील गो फॉरवर्ड, अगर यहाँ के क्या जो यहाँ पे आपको व्हील नज़र आ रहा है, यहाँ पे जो बॉल चला रहा है, क्या या जो व्हील है खुद ब खुद ऑटोमेटिकली चली जाएगी, क्या इसे चलाना पड़ेगा? कि ऑब्वियसली हम इसे फोर्स दे रहे हैं। तो आज हम फोर्स और टाइप्स ऑफ फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, हम किस चीज़ का फोर्स दे रहे हैं। व्हेन ही किक द फुटबॉल कमिंग इन आवर डायरेक्शन टूवर्ड्स द गोल, वी अप्लाई फोर्स। जैसे हम फुटबॉल को किक करते हैं कि उसे एक डायरेक्शन पे लाने की कोशिश करते हैं, तो हमने एक ताकत लगाई। इन डे टू डे लाइफ वी डू मैनी एक्शन सच एज लिफ्टिंग, पुलिंग, राइडिंग अ बाईसाइकिल, स्टॉपिंग एट टाइम्स, पुशिंग अ रोड, स्क्वीजिंग एंड बेंडिंग समटाइम, ड्राइविंग व्हीकल। इट इज़ नेसेसरी टू अप्लाई फोर्स फॉर डूइंग ऑल दिस एक्शन। फोर्स इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट टू पुल इट और पुश इट एनी मैनर। अभी यहाँ पे हम डेली अपनी एक्टिविटीज करते हैं, अपनी हमारी जो डेली लाइफ रहते हैं, हम बहुत सारे एक्शन करते हैं। हम लिफ्टिंग करते हैं, पुलिंग करते हैं, राइडिंग करते हैं, पुशिंग करते हैं, बैंडिंग करते हैं, ड्राइविंग व्हीकल्स करते हैं। तो इसमें जो हम ऑब्जेक्ट को हम फोर्स लगाते हैं, मतलब हम ताकत लगाते हैं, तब जाके ये जो चीज़ें हैं मूव होती है। नो ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजिशन ऑन इट्स ओन। फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव इन ऑब्जेक्ट। फोर्स इज यूज टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन मोशन और टू स्टॉप इट। अभी यहाँ पे जैसे वी आर लिविंग थिंग, जैसे ह्यूमन बींग है, एनिमल्स है, बर्ड्स, इंसेक्ट है, मतलब उनकी ये पास जान होती है, वो मतलब खुद ऑटोमेटिकली वो फ्लाई हो सकते, उड़ सकते, बैठ सकते, खड़े हो सकते। जैसे वी आर ह्यूमन बींग, हम चल भी सकते, उड़ भी सकते, बैठ भी सकते, सो भी सकते, कि हमारे अंदर जो इंटेली जो गॉड ने हमें एक मोमेंट डाला है। जैसे एनिमल्स भी मूव कर सकते हैं, बर्ड्स भी मूव कर सकते हैं, और जो प्लांट के अंदर भी इंटरनल मोमेंट होता है, और यहाँ पे आपने देखा होगा जो इंसेक्ट है वो भी मोमेंट करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट की बात की जाए, जैसे जो चीज़ें होती है, जैसे कार हो गया, बाईसाइकिल हो गया, या हम फुटबॉल से खेल रहे हैं, तो वो खुद से तो नहीं ऑटोमेटिकली खेलने लगेगी अपने आप। हम उसे पकड़ के, जैसे हम बाइक चला रहे या कार चला रहे, तो कार जो है ऑटोमेटिकली खुद से तो नहीं चलनी पड़ेगी। हम उस पर बैठ रहे हैं और उसको फोर्स दे रहे हैं, ताकत दे रहे हैं, तब जाके वो मोमेंट करती है। कैन यू टेल वॉट हैपन वेन यू होल्ड द टू एंड्स ऑफ अ स्प्रिंग एंड पुल देम अपार्ट। अभी आपने क्या किया, जैसे आपके पास स्प्रिंग है, स्प्रिंग को क्या किया आपने, दोनों एंड की तरफ से आपने क्या किया, खींचा, घसीटा, तो आपको डायरेक्शन नज़र आ रहा है। वॉट हैपन वेन अ ब्लैक स्मिथ हैमर्स अ रेड हॉट पीस ऑफ आयरन। अभी यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है,
चेंजिंग द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, अभी यहाँ पे जो ब्लैक स्मिथ है, जैसे आपने लोहार को देखा होगा, तो वो मतलब जो भी आयरन वगैरह को वो ठोकते रहता है। अभी वो जो ठोक रहा है, मतलब उसको मतलब उस जब वो ठोक रहा है, तो मतलब उस पर जो आयरन का जो अपर पार्ट है वो रेड नज़र आ रहा है। मतलब इस पर वो क्या फोर्स अप्लाई कर रहा है। फोर्स इज नेक्सरी टू चेंज द शेप एंड ऑब्जेक्ट, मतलब फोर्स उस पर ताकत लगा रहा है। अभी फोर्स मीन्स एक एनर्जी जो है वो ऑब्जेक्ट को दे रहा है, तब जाके वो अपनी पोजिशन को चेंज कर रहा है। अभी यहाँ पे कौन कौन से टाइप के फोर्स है हम देखेंगे। टाइप्स ऑफ फोर्स, मस्कुलर फोर्स, अभी मस्कुलर फोर्स क्या है आज उसके बारे में हम जानेंगे। इन ऑल द एक्शन शोन इन द पिक्चर 10.1, द मोमेंट टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ बोन्स मसल इन द बॉडी। द पर्सन इन द पिक्चर अलॉन्ग साइड इज लिफ्टिंग द वेट बाई यूजिंग मस्कुलर फोर्स। द फोर्स अप्लाई विद द हेल्प ऑफ मसल इज कॉल्ड मस्कुलर फोर्स। अभी यहाँ पे आप देख रहे हो, जैसे बहुत सारे टाइप के मोशन के बारे में पढ़ा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, लीनियर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अभी यहाँ पे जो फोर्स है, मतलब हम कौन सी ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बहुत ही अच्छा सा एग्जाम्पल दिया कि हम बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं, या हम फुटबॉल से खेलते हैं, या हम बोट चलाते हैं, या बुल्लक कार चलती है, लेकिन उस पर जो ऑब्जेक्ट को हम मोमेंट कर रहे हैं, मतलब उसको ऑब्जेक्ट जो मोमेंट कर रहा है उस पर हम एनर्जी अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। अभी यहाँ पे जो मास्कुलर फोर्स क्या है, मतलब जैसे मास्कुलर फोर्स का काम क्या रहता है, मतलब किस तरह मोमेंट करेगा। जैसे आपने जिम में देखा होगा जो बहुत सारे यंग गर्ल्स यंग बॉयज़ रहते हैं जो डम्बल्स उठाते हैं, डम्बल्स से क्या करते हैं एक्सरसाइज करते हैं, तो मतलब उनका जो फोर्स है एक बड़ा सा हैवी वेट उठाते हैं वो, जैसे डम्बल्स उठाते हैं 5 kg का, 10 kg का, 3 kg का, 2 kg नॉर्मली, तो उनमें जो बोन्स और जो मसल जो मूवमेंट कर रहे हैं, तो ये हमारी जो जो फोर्स हमारी मसल को अप्लाई की जा रही, ताकत दी जा रही, तो ये क्या है बच्चों, मस्कुलर फोर्स। जैसे बच्चों आपने देख आ, आ, आप अगर जैसे आप अपने डैडी से भी पूछोगे कि डैडी आप जिम में जाते होंगे तो आप कैसी एक्सरसाइज करते होंगे, कैसे डंबल उठाते होंगे, या आप देखो आप तो अभी बहुत छोटे हो, क्लास 6 में हो, आपको तो ऐसे जिम अभी फिजिक आपको ऐसे जिम अब डंबल्स उठाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बहुत हैवी वेट होता है। लेकिन अगर बच्चों आप अपनी डैडी से पूछोगे या मम्मी से पूछोगे कि जिम में जो रहते हैं जो एक्सरसाइज करते हैं फिट रहने के लिए, तो वो मतलब हैवी हैवी डंबल्स उठाते 5 kg का, 10 kg का, 3 kg का, मतलब वो जैसे बिगिनर रहते हैं उन्हें 2 kg का देता है, मतलब उनमें जो बोन्स है मसल जो है वो मूवमेंट करने लगती है। मतलब द फोर्स इज अप्लाई विद द हेल्प ऑफ मसल इज कॉल्ड फोर्स मस्कुलर फोर्स। मतलब जो फोर्स जो हमारे मसल से प्रोवाइड की जा रही दी जा रही है, हम एक भारी वेट उठा रहे, जैसे हमने एक भारी भारी कोई सामान उठाया, जैसे आपके घर में कोई हैवी चीज़ होगी ना, जैसे हैवी चीज़ मैं आपको क्या बताऊँ, जैसे वजन हैवी बॉक्स होगा, या आपके घर में कोई हैवी देखो कबर्ड होगा, आप तो उठा नहीं सकते ना, लेकिन जो भारी जैसे आपके डैडी उठाते होंगे 5-10 kg का कोई भी सामान, जैसे सैक हो गया, गोनी हो गया, 5 kg का, सब एग्जांपल उन्होंने शुगर उठा लिया, 5 kg 10 kg का उन्होंने राइस उठाया, या 10 kg का उन्होंने गेहूँ उठाया, तो मतलब ये जो उठाने का काम कर रहे, लिफ्टिंग, जैसे हम वज़न को उठा रहे, जिस जो चीज़ हमें वज़न उठाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे भारी वज़न रहता है 10 kg का, 20 kg का, तो ये मस्कुलर फोर्स में आएगा। यूज़ योर ब्रेन पावर फॉर विच टास्क इन योर डे टू डे लाइफ डी यूज़ मस्कुलर फोर्स। अभी जैसे आप बहुत सारे डेली काम करते होंगे, जैसे हम भारी कोई भी चीज़ उठा रहे हैं, जैसे भारी हमने 5 kg उठा लिया, 2 kg का बैग उठा लिया, 10 kg का उठा लिया, तो ये हमारा मस्कुलर फोर्स का उठाना काम, जो उठाने का काम है ये मस्कुलर फोर्स है। अभी मैकेनिकल फोर्स क्या है, मैकेनिकल फोर्स भी है, जैसे हमने यूनिफॉर्म लीनियर मोशन नॉन लीनियर मोशन के बारे में पढ़ा, इस तरह हम मस्कुलर फोर्स और मैकेनिकल फोर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। यू यूज़ डिफरेंट मशीन ऑफ डूइंग मैनी टास्क। अभी यहाँ पे आपके घर में बहुत सारे मशीन होंगे, जैसे रेफ्रिजरेटर होगा, AC होगा, टेलीविज़न होगा, वॉशिंग मशीन होगा, मिक्सर ग्राइंडर होगा, आपके घर में सीविंग मशीन होगी, तो ऐसी बहुत सारी जो मशीन है वो डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ करती है। मस्कुलर फोर्स इज यूज फॉर रनिंग सम मशीन आर रन बाई यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी और फ्यूल। अभी आपने देखा होगा जो मस्कुलर फोर्स है, जैसे आपने जो खेत वगैरह रहते हैं, फील्ड वगैरह में रहते हैं, जो फार्मर जो रहता है ट्रैक्टर चलाता है, तो उसमें मस्कुलर फोर्स का मतलब जो हम जो हमारा जिससे हमारी मसल काम कर रही है, तो उसे हम मस्कुलर फोर्स बोलेंगे। लेकिन जो मशीनें हैं वो किससे चलती है, इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, कुछ फ्यूल से चलती है। मतलब मशीन लाइक द लेटर आर कॉल्ड ऑटोमेटिक मशीन बिकॉज द मैकेनिकल फोर्स इज यूज हियर, फॉर एग्जाम्पल सीविंग मशीन, इलेक्ट्रिक पम्प, वॉशिंग मशीन, मिक्सर एक्सेट्रा, मेक अ लिस्ट ऑफ अदर सच मशीन। अभी यहाँ पे हमने बहुत सारी मशीन आपको नज़र आ रही, सीविंग मशीन, मिक्सर मशीन आपको नज़र आ रही है। द फोर्स अप्लाई बाय मीन्स ऑफ मशीन इज कॉल्ड मैकेनिकल फोर्स। मतलब जिस चीज़ों को भी मतलब ये मशीनरी फोर्स मतलब इलेक्ट्रिसिटी जैसे जो जिस मशीनों में फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, मशीनरी चीज़ों में, मशीनरी चीज़ों की बात कर रही हूँ मैं,
जिस मशीनरी चीज़ों में फोर्स अप्लाई किया जा रहा है वो मैकेनिकल फोर्स है, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। जैसे मैंने आपको बहुत ही अच्छा सा एग्जांपल दिया, आपके घर में मिक्सर ग्राइंडर होगा, सीविंग मशीन होगा, या इलेक्ट्रिक पंप होगा, वॉशिंग मशीन होगा, मिक्सर होगा, रेफ्रिजरेटर होगा, जो इलेक्ट्रिसिटी या फ्यूल से चलती है, मतलब जो भी फोर्स मैकेनिक जो भी फोर्स जो है मशीनरी को अप्लाई की जा रही है, टेलीविज़न हो गया, मिक्सर मशीन, सीविंग मशीन हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, तो मतलब ये कौन सी फोर्स है? मैकेनिकल फोर्स है, मतलब इन्हें इलेक्ट्रिसिटी से जो चलती है, तो ये सब मशीनें वगैरह ये इलेक्ट्रिसिटी और फ्यूल से चलती है। अभी हमारी जो हमारा जो थर्ड है, जैसे हमारा जो थर्ड है, थर्ड कौन सा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। अभी यहाँ पे बहुत ही है, इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? If an object is thrown upward by applying force, it reaches a certain height and come down again. Why is this so? अब यहाँ पे gravitational force क्या है? बहुत ही interesting topic है. Falling down of a ball and mango. अभी यहाँ पे आपको mango tree नज़र आ रहा है बच्चों, mango tree, यहाँ पे एक जो boy है ball से खेल रहा है, ball को क्या कर रहा है? ऊपर उसने उछाला, लेकिन वो वापस से ऊपर जब थी, ऊपर की तरफ तो आई, लेकिन फिर डायरेक्ट कहाँ गिर गई? नीचे आ गई। मतलब जो भी चीज़ें ज़मीन पे गिरती है, जैसे लीव्स गिरती है, हम भी गिरते हैं, हमारी कोई भी चीज़ है, पेन हो गया, एनी ऑब्जेक्ट, लीव्स हो गया या एप्पल हो गया, जो भी चीज़ें हम ज़मीन पे गिरती है, तो वो क्या है बच्चों? ग्रेविटेशनल फोर्स है, क्योंकि जो हमारे जो अर्थ है ग्रेविटेशनल फोर्स है। इफ़ एन ऑब्जेक्ट थ्रोन अपवर्ड बाय अप्लाइंग फोर्स, इट रीच अ सर्टेन हाइट कम डाउन अगेन। वाई दिस सो? वाई डू फ्रूट्स ऑन ट्री फॉल टू द ग्राउंड? द अर्थ पुल्स ऑल द ऑब्जेक्ट टूवर्ड सेल्फ। द फोर्स अप्लाई बाय द अर्थ टू पुल ऑब्जेक्ट टूवर्ड सेल्फ इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब यहाँ पे हमने देखे, हमने गेंद भी उछाला, तो जो गेंद थी, जो बॉल थी, वो थोड़ी देर तक तो हवा में थी, मतलब एयर में थी, लेकिन फिर बाद में क्या हुई? एट द एंड वो ज़मीन पर गिर गई। अभी यहाँ पे जैसे मैंगो ट्री है, मैंगो जो भी चीज़ें ज़मीन पे गिरेगी, जैसे यहाँ पे जो अर्थ है उसे घसीटती है, खींचती है। जैसे आप कोई भी चीज़ गिराओगे, या पेंसिल गिराओगे, शॉर्पनर गिराओगे, बुक्स गिराओगे, जो भी चीज़ें ज़मीन की तरफ गिरती है, जैसे हम अगर जैसे आप फर्स्ट फ्लोर पर हो या सेकेंड या थर्ड फ्लोर पर, अगर विंडो से आप या फर्स्ट फ्लोर पर या सेकेंड फ्लोर, अगर विंडो से आप कोई भी पेपर फेंकते हो, या चॉकलेट रिपर या पेंसिल, अभी यहाँ पे आपने क्या किया? अभी यहाँ पे मैंने बहुत ही अच्छा सा एग्जांपल दिया कि आप सपोज एग्जांपल फर्स्ट फ्लोर पर हो या सेकंड फ्लोर पे, अगर आप विंडो से कोई भी चीज़ों को फेंकते हो, जैसे आपने अपने पेपर फेंका, या पेन फेंका, या बॉक्स फेंका, या बॉटल फेंका, तो जो चीज़ें ज़मीन को की तरफ, जो भी चीज़ें ज़मीन को खींचेगी, हमारे अर्थ को खींचेगी, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, जो कोई भी ऑब्जेक्ट हो, तो हाँ, ये क्या है बच्चों? जो चीज़ें ज़मीन पे गिर जाती है वो क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स है, क्योंकि हमारे जो अर्थ एक ग्रेविटेशनल है। इसको डिस्कवर किसने किया? इन द पास्ट सर इसाक न्यूटन डिस्कवर ग्रेविटेशन इन द 17th सेंचुरी। द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट इन डायरेक्शन अपोजिट टू डेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अपवर्ड्स, हैंड द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट गोज ऑन डिक्रीजिंग टिल इट इन एंड इट बिकम द जीरो, देन द ऑब्जेक्ट स्टार्ट फॉलिंग डाउन इंस्टेड ऑफ गोइंग अप एनी फर्दर, वाइल फॉलिंग इट्स स्पीड गोज ऑन इंक्रीजिंग पर ऑल द टाइम ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब ये जो न्यूटन है, न्यूटन के पिक्चर आपको नजर आ रही है, ये किसने डिस्कवर किया? सर इसाक न्यूटन ने। उन्होंने मतलब ये 17th सेंचुरी में किया कि अगर हम कोई भी चीज़ ज़मीन से उछालोगे, जैसे आपने पेन गिरा रहे हो, या बॉल हो गया, या चॉकलेट हो गया, अगर आप ऊंचाई पे उसे फेंकते हो, तो मतलब बहुत तेज़ी से वो ऊपर तो चले जाता है, लेकिन जब वो नीचे गिरने वाला रहता है, तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है? उसकी स्पीड बढ़ते जाती है, मतलब वो पूरी तरह से ज़मीन की तरफ गिर जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी जो अर्थ है उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, क्योंकि हमारी अर्थ में एक ग्रेविटी है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। यहाँ पे अभी ग्रेविटेशनल फोर्स आपको देखना है, ये एक्सपेरिमेंट आपको इजीली आप घर में कर सकते हो। लेट्स ट्राई दिस। टेक अ स्मॉल स्टोन एंड बकेट ऑफ वाटर, ड्रॉप द स्टोन इनटू द वाटर फ्रॉम अ हाइट ऑफ अबाउट 20 सेंटीमीटर, यू विल हियर द साउंड ऑफ द स्टोन ड्रॉपिंग इन द वाटर। नाउ ड्रॉप द सेम स्टोन इनटू द वाटर फ्रॉम अ हाइट ऑफ 100 सेंटीमीटर, यू विल हियर इट साउंड अगेन। अभी यहाँ पे आपको ये आपके घर में देखो वॉशरूम में बकेट होगा, आपके घर में बकेट तो होगा ना, आपको क्या करना है? ये एक्सपेरिमेंट ईजिली आप कर सकते हो घर में। आपको मतलब आपको क्या बाहर से स्टोन लाना है, जैसे आप फुटपाथ पे आपको पत्थर तो नज़र आता होगा, आपको क्या करना है? वॉशरूम में जाना है और बकेट में पानी भरना है, और आपको जो स्टोन है पत्थर को क्या करना है?
तब क्या करना है, पत्थर को क्या करना है आपको, जो पत्थर को क्या करना है, स्टोन को क्या करना है, वाटर बकेट में डालना है। तो आपको जो स्टोन की गिरने का आवाज़ आएगा कि आवाज़ आपको सुनाई देगा, फिर आपको क्या करना है, वो भी 20 सेंटीमीटर से फेंकना है आपको, मतलब करीब से फेंकना है, नज़दीक से फेंकना है। अभी आपको आपको क्या करना है बच्चों, आपने अभी सेकेंड, ये हमारा फर्स्ट स्टेप था। अभी सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है, आपको सेकेंड जो बकेट है उसमें भी पानी भरना है, और आपको क्या करना है, जो स्टोन है, जो पत्थर है, आपको ऊंचाई से फेंकना है, 100 सेंटीमीटर से फेंकना है, लेकिन फिर भी आपको पत्थर की गिरने की आवाज़ सुनाई देगी। लेकिन ऐसा क्यों, मैं आपको बताती हूँ। वट इज़ द डिफरेंट बिटवीन द साउंड इन द टू एक्शन अबाव, वट कैन यू कंक्लूड फ्रॉम दिस। अभी इससे हमें क्या रिजल्ट मिलता है, द एक्शन ऑफ लिफ्टिंग अ सैक आर शोन इन द पिक्चर, वन सैक लुक्स एम्प्टी एंड अदर वन इज़ फुल, वट डिफरेंट डू यू सी इन द टू सैक आर लिफ्टेड। अभी यहाँ पे आपको, यहाँ पे दो पिक्चर आपको नज़र आ रही है, जैसे हम भारी वजन उठाते हैं, जैसे आपके घर में ग्रॉसरी का आइटम आता होगा ना, राशन राशन आता होगा ना, जैसे बहुत सारे जो अंकल रहते हैं वो मतलब राइस का पैकेट उठा, राइस की जो गोनी रहती है, चावल की गोनी, गेहूँ की गोनी उठा के लाते हैं। अभी यहाँ पे जो फर्स्ट पिक्चर है, फर्स्ट पिक्चर में जो गोनी का जो वेट है काफ़ी कम है, मतलब वो ईजिली कैरी कर रहा है क्योंकि उसका वेट कम है। लेकिन यहाँ पे जो आपको सेकेंड पिक्चर में जो है सैक का जो वेट है, जैसे चावल की गोनी काफ़ी भारी रहती, गेहूँ की गोनी काफ़ी भारी रहती, काफ़ी काफ़ी फुल है, मतलब उसे उठाने में काफ़ी उसे पेन हो रहा है। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द एम्प्टी स्पेक ऑन द एम्प्टी एम्प्टी सेक इज लेस, दैट इज़ टू से इट इज़ वेट लेस, मतलब यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है मतलब काफ़ी कम है। अगर वो हल्की गोनी को, मतलब जिसमें कम सामान है, अगर वो ज़मीन पे गिराएगा तो काफ़ी वज़न है, जो काफ़ी वज़न नहीं है ज़्यादा, बहुत ही उसका वज़न काफ़ी कम है। लेकिन जो सेकेंड स्टेप है, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द बिगर सैक इज़ ग्रेटर, इन अदर वर्ड द बैग वेट मोर। अभी यहाँ पे वो भारी वजन, जैसे आपके घर में राशन आता होगा तो जो अंकल रहते हैं, जो शॉपकीपर रहता है, वो भारी चावल की गोनी लाता है, आटे की गोनी लाता है, उसे ज़मीन पे रखता है, मतलब इससे जो हमारी जो अर्थ है उसे अट्रैक्ट कर लेती है। ग्रेटर फोर्स मस्ट बी अप्लाई टू लिफ्ट अ ग्रेटर वेट, मतलब यहाँ पे जो भारी फोर्स, उसके लिए हमें भारी ताकत लगा के हमें उठाना होता है। जैसे हल्का बैग रहेगा तो हम उसे हल्के से उठाएंगे, लेकिन जो भारी बैग रहेगा उसे हम ऐसे उठाएंगे। डू नो टू वेट एन ऑब्जेक्ट इट इज हंग फ्रॉम द हुक ऑफ स्प्रिंग बैलेंस, द सस्पेंडेड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डाउनवर्ड बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, एट द सेम टाइम द फोर्स ऑफ द टेंजेंट इन द स्प्रिंग कॉन्स्टेंटली पुल द ऑब्जेक्ट अपवर्ड, द ऑब्जेक्ट कम टू द रेस्ट एंड वेन द टेंजेंट इन द स्प्रिंग एंड द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट बिकम इक्वल इन द पोजिशन, द स्केल ऑन द स्प्रिंग बैलेंस शो द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट विच इज वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अभी यहाँ पे हमने देखा कैसे यहाँ पे जो है जो हमने ग्रेविटेशनल फोर्स से चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ। फाइंड आउट एंड डिस्कस, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑपरेट बिटवीन द सन एंड द प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, बिकॉज इफ दिस प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन एट द सेम टाइम, ग्रेविटी ऑल्सो ऑपरेट बिटवीन प्लैनेट एंड द सैटेलाइट, देन why don't all the planets satellite fall towards the sun? अभी यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जैसे यहाँ पे हमारे सन और जो प्लैनेट है सारे सोलर सिस्टम में, लेकिन हमारी जो ग्रेविटी से प्लैनेट अर्थ में है। यूज योर ब्रेन पावर, विच फोर्स आर एक्टिंग अपॉन ऑन द एरोप्लेन टेकिंग ऑफ इन टू द स्काई। अभी यहाँ पे कौन जो एरोप्लेन जो है टेक ऑफ होती है, जब वो जाती है ऊपर जाती है, मतलब कौन सा फोर्स रहता है, मैकेनिकल रहता है, फस्कुलर रहता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स रहता है? तो आपको ब्रेन पावर का इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये मैकेनिकल ही हो सकता है, क्योंकि हम फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं, तो ये मैकेनिकली फोर्स, मस्कुलर, हम भारी वजन तो नहीं उठा रहे। अगर ग्रेविटी होती तो एरोप्लेन क्या होती, ज़मीन पे गिर जाती। मैग्नेटिक फोर्स, अभी मैग्नेटिक फोर्स क्या है, जैसे आपने लॉक चिमक तो देखा होगा, मैग्नेट देखा होगा, प्लेस अ मैग्नेट ऑन अ टेबल। अभी आपको क्या करना है, एक मैग्नेट जो लेना है आपको टेबल पे रखना है अच्छी तरह से, टेक अ बिग आयरन नेल टूवर्ड्स द मैग्नेट। अभी आपको बिग आयरन नेल लेना है, एक मतलब नेल लेना है, जिसे आप जिसको एक लेन लेना है कि जिसे एक लोहा लेना है, आयरन लेना है, स्टिक टू द मैग्नेट, ना होल्ड द मैग्नेट अपराइट इन द अवे फ्रॉम द नेल। व्हाट हैपेंड, अभी यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे आपने क्या किया, नेल भी लिया, आयरन भी लिया, जैसे जो नेल जो आयरन रहता है वो मैग्नेट को स्टिक करता है, चिपकता है,
द फोर्स एग्जर्टेड बाय द मैग्नेट कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स, मतलब जो भी फोर्स मैग्नेटिक मैग्नेट की तरफ से निकल रही है, जैसे जो मैग्नेट रहता है वो आयरन को फटक से चिपक जाता है, फटक से अट्रैक्ट हो जाता है, ऐसा क्यों? मतलब जो भी फोर्स मैग्नेट से निकल रहा है वो क्या है? मैग्नेटिक फोर्स। अभी यहाँ पे आपको फ्रिक्शन फोर्स नज़र आ रहा है, जैसे हम आपके घर में कैरम बोर्ड होगा, आप कैरम बोर्ड तो खेलते होंगे, व्हेन अ कैरम पीसेस ऑफ फ्लिक्ड लाइटली स्लाइड ओवर द कैरम बोर्ड बट स्टॉप एट अ सर्टेन डिस्टेंस। अभी यहाँ पे जब हम कैरम की कॉइन्स पे हम स्ट्राइकर से मारते हैं तो कभी कभी जो गोटियाँ रहती है कॉइन्स रहती है वो स्टॉप हो जाती है। अ बॉल रोलिंग ओवर अ फ्लैट ग्राउंड स्टॉप इट सर्टेन डिस्टेंस, वाई दिस हैपन। अभी ऐसा क्यों होता है? जैसे हम कॉइन्स पे मारते हैं, स्ट्राइकर घुमाते हैं, लेकिन कुछ कॉइन्स तो थोड़ी देर के बाद घूमते हैं फिर बाद में स्टॉप हो जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? When two surface rub against each other, the force of friction come into play. It always act against the direction of motion. मतलब क्या हो जाता है? वो stop हो जाते हैं. Use of brain power. Why is powder sprinkled on the carom board while playing carom? अभी यहाँ पे जब हम carom खेलते हैं तो powder भी लगाते हैं. क्यों लगाते हैं? ताकि हमारी जो coins है वो अच्छी तरह से sliding कर सके, अच्छी तरह से वो हम पूरे net में जा सके, जितने भी holes में rubber से जा सके. When a brake is applied while riding a bicycle, stop after running a short distance. How does the brake work? Between which part is friction produced? अभी यहाँ पे जैसे हम bike चलाते हैं या bicycle चलाते हैं या ऑटो रिक्शा चलाते हैं तो हम ब्रेक देते हैं, गाड़ी को ब्रेक देते हैं ताकि थोड़ी डिस्टेंस के लिए वो रुके रहे, तो उसके बाद हमारी गाड़ी स्टार्ट हो जाती है. Try this. Take two pieces of smooth paper and two pieces of sandpaper. Rub them against each other. What do you notice? अभी आपने दो स्मूथ पेपर लिया, आपने अच्छी तरह से रब किया, और सैंड पेपर को भी आपने अच्छी तरह से रब किया, तो आपने क्या आपको ऑब्जर्व करने को मिलेगा? द स्मूथ सर्फेस कैन बी रब ईजली अगेंस्ट ईच अदर बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन देम इज लेस. वाइल अभी यहाँ पे जैसे आप दो जो रफ पेपर आपने लिया है, आपने क्या किया, स्मूथ पेपर को अच्छी तरह से रब किया, लेकिन दोनों अच्छी तरह से रब हो जाएंगे क्योंकि दोनों में फ्रिक्शन ज़्यादा है. वेल रस्ट सर्फेस कैन नॉट बी इजली रब अगेंस्ट ईच अदर बिकॉज द फोर्स बिटवीन देम इज मच ग्रेटर. अभी यहाँ पे जैसे रफ सर्फेस है, हाँ, जैसे आप सैंड के पेपर को आप रब करोगे तो बराबर से वो रब नहीं होगा क्योंकि इनमें फ्रिक्शन बहुत ही कम है, फ्रिक्शन ज़्यादा है. इट इज़ पॉसिबल फॉर अस टू वॉक ऑन द ग्राउंड ओनली बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन ऑफ फोर्स. अभी यहाँ पे जैसे हम वॉक पे, जैसे पार्क में, गार्डन में हम वॉक करते हैं क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. इफ देर इज नो फ्रिक्शन वी वुड स्लिप एंड फॉल. अगर जैसे हम थोड़े थोड़े चलते फिर रुक जाते, अगर हमारा फ्रिक्शन ना रहे तो हम फिसल के गिर जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, वी आर लाइकली टू स्लिप वाइल वॉकिंग ऑन एन ऑयली और वेट फ्लोर. अभी यहाँ पे जैसे कोई भी फुटपाथ रहता है जहाँ पे तेल गिरा रहेगा तो हम बराबर वॉक नहीं कर पाएंगे, हम फिसल के गिर जाएंगे. या कोई गीला सरफेस हो, जैसे जहाँ पे आप जहाँ पे बारिश का आपने पानी देखा होगा, जहाँ पे पानी बहुत गिरा रहता है तो हम बराबर से वॉक नहीं कर पाते क्योंकि पानी गिरा रहता है. यहाँ पे देखो कभी कभी केले का छिलका भी गिरा भी रहता तो हम वॉक नहीं कर पाते क्योंकि हम स्लिप हो जाएंगे. अगर हमारा रोड थोड़ा सा स्मूथ रहा, ड्राई रहा, तो हम बराबर इजली वॉक कर लेंगे. वाई इज वुडन प्लैंक लेट डाउन फॉर पुलिंग आउट अ कार विच इज स्टक इन मड. अ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज जनरेटेड बिटवीन द व्हील एंड द वुडन प्लैंक लेट डाउन अंडर द कार, hence it can be pulled out from the mud. In short, the force of friction can be decreased, increased or desired. जैसे आपने देखा होगा जो गाड़ी का जो पहिया रहता है, मतलब जो मडी एरिया में कैसे चलता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन काफ़ी मतलब कैसे हो जाता है, थोड़ा सा कभी कभी बढ़ने भी लगता है, कभी भी घटने भी लगता है. लेकिन अगर हम लकड़ी पे चलाते हैं तो जो फ्रिक्शन है काफ़ी कम हो जाता है, जैसे मडी एरिया में बराबर से चलेगा, लेकिन वो मडी वुडन प्लैंक में क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा, उसकी फ्रिक्शन जो है कम हो जाती है. अब यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, यहाँ पे आपको पिक्चर नज़र आ रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. स्प्रेड अ स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर ऑन अ टेबल. अभी आपको क्या करना है, जो छोटे छोटे पेपर्स आते हैं आपको स्प्रेड कर देना है. रब अ पीस ऑफ थर्माकोल और इन्फ्लेट बलून अगेंस्ट सिल्क क्लोथ एंड ब्रिंग इट नियर दिस पीसेस. अभी आपको क्या करना है, जो थर्माकोल के कुछ पीसेस लाने हैं और इन्फ्लेटेड बलून लाना है और कुछ रेशम के कुछ कपड़े लाना है और आपको उसके पास रखने आना है, जो पेपर जो फटे जो टीयरिंग पेपर उसके पास लेके जाना है. रब अ प्लास्टिक कोम
अगेंस्ट ड्राई हेयर, अभी आपको क्या करना है, जो प्लास्टिक कॉम है आपको सूखे बाल में क्या करना है, अच्छी तरह से रब करना है, रिपीट ऑफ द अबाउ एक्टिविटी, फिर वापस करना। जैसे आपने क्या किया, कॉम किया, आपने कॉम लिया और उसने प्लास्टिक कॉम को क्या किया, ड्राई हेयर में किया, आप रब कर रहे हो, ड्राई हेयर में क्या कर रहे हो, कॉम को रब कर रहे हो। रब अ पीकॉक फेदर बिटवीन टू पेजेस ऑफ नोटबुक एंड ब्रिंग इट इनटू नियर फिंगर्स। अभी आपको क्या करना है, जैसे पीकॉक के जो फेदर्स रहते हैं आपको नोटबुक में रखना है और रब करना है और आपके फिंगर्स के बाद लाना है। व्हाट डू यू सी, आपको क्या दिखाई देगा इन द अबाउ एक्टिविटी, दस अ पीस ऑफ पेपर हेयर एंड द पीकॉक फेदर आर सीन टू मूव, व्हाई डज दिस हैपन। आपको ऐसा क्या लगेगा कि हेयर जो है वो भी मूवमेंट करने लग रहे हैं, अब पेपर है वो भी उड़ने लग रहे हैं, अब पीकॉक के फेदर वो भी मूवमेंट करने लगे, ऐसा क्यों हो रहा है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस ऑन अ मटीरियल लाइक रबर प्लास्टिक एबोनाइट ड्यू टू फ्रिक्शन, मतलब उनमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है जैसे रबर प्लास्टिक एबोनाइट में, क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से। फोर्स एक्सर्टेड बाय से इलेक्ट्रिकली चार्ज मटीरियल कॉल इलेक्ट्रिकली फोर्स, मतलब जो भी फोर्स इलेक्ट्रिकली चार्ज मटीरियल को प्रोवाइड किया जा रहा है वो क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अभी यहाँ पे हमारा क्या है, कंबाइंड फोर्स। While an action in taking place, various type of forces act on the object in question. अभी यहाँ पे हम जैसे डेली एक्टिविटी हम कुछ जो भी करते हैं, जैसे हम मूवमेंट करते हैं, लिफ्टिंग करते हैं, पुचिंग करते हैं, ड्राइविंग करते हैं, तो बहुत सारे फोर्स अप्लाई किए जाते हैं। यू माइट हैव सीन अ रोलर कोस्टर और द जगलिंग ऑफ सेल बोर्ड ऑन द सी शोर। जैसे आपने रोलर कोस्टर को देखा हो जो बड़े बड़े पिकनिक प्लेसेस पे होता है, और आपने क्या देखा होगा, बोर्ड को चलते हुए सी शोर को देखा होगा, और आपने बहुत सारे फोर्स मतलब देखा होगा जो बहुत सारे। टू ऑब्टेन मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस टाइप ऑफ वर्ड ट्रिक साइंस इन गूगल सर्च और इंटरनेट। अभी यहाँ पे अगर वाकई आप फोर्स के बारे में जानना चाहते हो तो आपको इंटरनेट पर सर्च करना है, क्या कर टाइप करना है, ट्रिक साइंस। अ लिटिल फन, कट आउट फिश शेप फ्रॉम कलर प्लास्टिक शीट। अभी आपको प्लास्टिक का आपको क्या करना है, अब प्लास्टिक शीट को फिश के शेप में कट करना है। फिक्स अ पिन ऑन वन साइड ऑफ द फिशेज, आपको जितने भी फिशेस के साइड पिन लगा दें। टेक वाटर इन द बिग डीप प्लेट, मतलब आपको एक क्या करना है, एक प्लेट में आपका जो एक प्लेट है उसमें खूब बहुत ज़्यादा पानी रखना है। रिलीज द फिशेस इन दे विल फ्लोट ऑन द वाटर, लेकिन आप जैसे कागज़ की जो अपने फिश बनाई है काटी है, मतलब वो क्या पानी के अंदर क्या करने लगेगी, तैरने लगेगी। जैसे आपने फिश बनाई है ना, वो क्या करने लगी, फ्लोट होने लगी। टेक अ मैग्नेट मूव इट अराउंड ओवर द मैग्नेट, आपको क्या करना है, मैग्नेट को क्या लेना है, मतलब जो ये जो प्लेट है प्लेट के बाहर आपको क्या करना है, आपको मतलब उसको मूवमेंट करना है। कैन यू मेक द अदर गेम लाइक दिस, व्हाट मेक सच गेम पॉसिबल, मतलब आपको देखना है कि थोड़ा सा ये एक्सपेरिमेंट करना है आपको फन के लिए। व्हाट यू लर्न, आज हमने क्या सीखा, फोर्स इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अबाउट एनी एक्शन, मतलब जो भी चीज़ों को हम मूवमेंट करना चाहते हैं उसके लिए फोर्स लगाना जरूरी है। फोर्स इज नेसेसरी फॉर मेकिंग एन ऑब्जेक्ट मूव टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ऑल्सो द चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मतलब हम जिस चीज़ों पर फोर्स लगाते हैं उस चीज़ों का क्या ऑब्जेक्ट भी, मतलब जो भी ऑब्जेक्ट का है डायरेक्शन भी चेंज हो जाता है, मोशन भी और शेप भी चेंज हो जाता है। There are various type of force, such as muscular force, mechanical force, gravitational force, magnetic force, frictional force, electricity force. So, आपने कौन कौन से फोर्स के बारे में पढ़ा, मस्कुलर फोर्स, जैसे भारी वजन हम उठाते हैं तो हमारी जो मसल और बोन काम करती है, मूवमेंट होती है, मस्कुलर फोर्स है। अब मैकेनिकल फोर्स जैसे जो मशीनरी चीज़ें, मिक्सर मशीन और वॉशिंग मशीन, सेविंग मशीन, जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है उनमें मैकेनिक फोर्स अप्लाई किया जाता है। ग्रेविटेशनल फोर्स जैसे हम चीज़ों को जो भी चीज़ों को उछाल के हम, जैसे बॉल हम उछालते, चीज़ों को उछाल के हम जो चीज़ें नीचे गिरती है ज़मीन, जो अर्थ उसे अपनी तरफ खींचती है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो गया, चाहे वो फ्रूट हो गया, चाहे वो पेपर हो गया, बैग हो गया, मतलब वो अर्थ हमारी क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। अब मैग्नेटिक फोर्स मतलब जो मैग्नेटिक से जो भी फोर्स निकलता है उसे मैग्नेटिक प्रोड्यूस करती है उसे मैग्नेटिक फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स जैसे रोड, जैसे हम रोड पे चलते हैं अगर जो ऑयली एरिया रहा तो हम बराबर वॉक नहीं कर पाएंगे, या वेट एरिया रहा तो वॉक नहीं कर पाएंगे, अगर स्मूथ या ड्राई प्लेस रहा तो ये हमारा फ्रिक्शन फोर्स का काम करती है वॉकिंग करने में। इलेक्ट्रिसिटी फोर्स जैसे मैंने आपको बताया, इलेक्ट्रिसिटी फोर्स किस में प्रोड्यूस होता है, जैसे हम क्या कर रहे हैं, प्लास्टिक कॉम्बिंग हेयर को अपने ड्राई हेयर में रब कर रहे हैं, और जो पेपर्स जो है उसको हमने क्या किया, टेबल पे रखा, और उसके पास हमने प्लास्टिक के कुछ पेपर्स पीसेस अप्लाए, और आपने क्या किया, पीकॉक के फेदर को बुक में रखा तो उसने रब करके रखा तो कुछ टाइम्स के बाद वो मूवमेंट करने लगे, तो मतलब ये क्या है, इलेक्ट्रिसिटी फोर्स, मतलब ये जो प्लास्टिक मैग्नेट वो सब जो है रबर है वो एबोनाइट है ड्यू टू फ्रिक्शन। तो आज का जो लेसन था हमारा काफ़ी इंटरेस्टिंग था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।